टेलीविजन के ये पॉपुलर कपल जिनका एक फोटोशूट सामने आने के बाद से फैंस लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिए कि एक बहुत जल्दी कुछ नए चीज लेकर आने वाले, कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ दिखने वाले हैं। आखिर कौन है वो कपल और किन के फोटोशूट पर फैंस लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है, आइए देखते हैं पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फोज, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो के होस्ट दित्य बिस्वाल। मुझको आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टेलीविजन दुनिया के सबसे चर्चित एवं सबके लोकप्रिय, सबसे खास जो कंटेस्टेंट रहे हैं, इनफैक्ट बिग बॉस के भी ये कंटेस्टेंट रह चुके हैं, इसके अलावा टेलीविजन दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कपल रह चुके हैं, इनफैक्ट उनकी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे इस बात की भी हिदायत हर कोई देता है। फाइनली इनका एक फोटोशूट सामने आया जिस वजह से लोगों ने तरह तरह के अनुमान, तरह तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। वो कपल कोई और नहीं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके, इनफैक्ट टीवी की दुनिया में राज करने वाला ये कपल तेजस्वी प्रकाश और राज कुंद्रा के मैं कर रही हूँ बात। इनकी हाल ही में एक फोटोशूट हुई है जिस फोटोशूट का वीडियो सामने आया है। गुड़ी पड़वा के दिन पे करण कुंद्रा ने अपने स्टोरी पे ये भी रखा था कि जो लड़कियाँ ज़्यादा हॉट होती हैं वो लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। अभी उनकी ऐसी का कैसी मतलब होता था ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस वजह से उन्होंने अपनी गर्ल को, अपनी पार्टनर को दिखाया है, दर्शाया है और उनके साथ स्टोरी शेयर करते करते उन्होंने ये जिस अंदाज से उनको बीच बीच में निहार रहे थे, जिस अंदाज से वो उनको देख रहे थे और प्यारा सा किस करते हैं, उस दौरान सभी लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि इनकी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे, क्योंकि आजकल तो प्यार जैसा सा कहीं तो हो ही गया है, प्यार सिर्फ नाम के लिए हो गया है या प्यार दिखता ही नहीं। इस दौरान जब इनका ये फोटोशूट सामने आया जहाँ पे पिंक कलर के और ब्राइटल कलर में तेजस्वी प्रकाश दिखी है एक ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ, जहाँ पे करण कुंद्रा भी उनके साथ खड़े मौजूद आए हैं, तो उसके बाद से फैंस लोगों ने ये सोच लिया है कि कहीं इनका कोई न्यू म्यूजिक वीडियो तो नहीं आ रहा जिस वजह से वो लोग ये गेटअप में आए हैं, या फिर कोई नया शो या फिर नए कोई इवेंट में जाने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं जिस वजह से उन्होंने ये फोटोशूट करवाई है। आपको बता दें तेजस्वी का ये जो लुक है ये कुछ दिन पहले सामने आ चुका था, लेकिन इसका जो फोटो है करण कुंद्रा के स्टोरी में जाने के बाद से वायरल हो रहा है और इस बात का अनुमान ऐसे इस तरीके से लगाया जा रहा है। अभी बात कितना सच है कितना झूठ है और क्या नए प्रोजेक्ट के साथ ये दोनों लौट रहे हैं, इस बात का अभी तक खुल के कोई अंदाजा और खुल के कोई बात नहीं निकला। लेकिन मैं आपको बता दूं तेजस्वी प्रकाश ऑलरेडी नागिन 6 के शूटिंग में बिजी है काफ़ी टाइम से। इसके अलावा नागिन 6 बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोगों का सबसे पसंदीदा सीरियल बन चुका है। लास्ट 3 वीक से ये TRP का भी अच्छा रैंक लेकर आ रहा है, TRP के रेटिंग में भी सबसे आगे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं करण कुंद्रा भी कहीं पीछे नहीं, करण कुंद्रा भी कलर्स का शो तेरे इश्क में घायल में नजर आते हुए दिख रहे हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है उनका भी ये नॉन फिक्शन शो। इनफैक्ट मैं बता दूं कि दोनों कपल्स ने नॉन फिक्शन शो में बखूबी अपना रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नागिन में जहाँ तेजस्वी नागिन बनी हुई है, तो एक तरफ तेरे इश्क में घायल में करण कुंद्रा भेड़िया के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोनों का ये नॉन फिक्शन शो देखने के बाद फैंस काफ़ी एक्साइटेड है कि इनको और नए प्रोजेक्ट के साथ निहारने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फोज।